2024 में किसको सरकार बनाएगी? मोदी सरकार जी। जिनका पे आए हैं उन्हीं के वोट देंगे। जिनका पे आए हैं? नरेंद्र मोदी का। हमारा जितना जो चल रहा है कारोबार मोदी जी ही दे रहे हैं। जब से GST आया है तो बहुत सारा रोजगार का साधन उपलब्ध हुआ है। तेजस्वी यादव बुलाएंगे तो वहाँ चल जाएगा? हाँ हम चल जाते हैं। सागरों चल जाएगी ना, जहाँ बुलाइए अभी बुलाइए तो चल जाएंगे। अच्छा, तो मोदी सरकार तो महंगाई की बात करते हैं। महंगाई क्या, महंगाई नहीं है, सही है, ठीक है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के आगे दूर दूर तक कोई नहीं दिखता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं प्राची सिंह अभी मिलर हाई स्कूल में मौजूद हूँ और यहाँ पे अंबेडकर समागम की तैयारी चल रही है, जिसमें काफी जोरों शोरों से यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता, तमाम वरिष्ठ नेता और तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। जैसा कि देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लोग मौजूद है, तो आइए 2024 में किसको वोट देंगे, आइए जनता से जानते हैं 2024 में किसको सरकार बनाएगी? मोदी सरकार जी। तो मोदी सरकार तो महंगाई की बात करते हैं। महंगाई क्या, महंगाई नहीं है, सही है, ठीक है। तो मोदी सरकार में रोजगार मिलती है? मिलवे करती है, रोजगार मिलती है। रोजगार तो आरजेडी तेजस्वी यादव की बात करते हैं। तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार जी। अच्छा, यहाँ किस लिए आए? यहाँ पे किस लिए आए? बाबा साहब का अम्बेडकर का जयंती इसी के पास है। दादी किसको वोट दीजिएगा 2024 में? अब केकरा हम वोट देंगे? जिनका पे आए हैं उन्हीं के वोट देंगे। जिनका पे आए हैं? नरेंद्र मोदी का। अच्छा, महंगाई नहीं करते? महंगाई कर रहे हैं कि उन्हीं के दे रहे हैं? उन्हीं के कह रहे हैं। तेजस्वी यादव रोजगार दे रहे हैं चाची? नहीं, जिसको मन होगा, अभी तक अथी हो रहा है। अच्छा, अभी सोच रहे हैं किसको वोट देंगे? नहीं बेटा, अभी नहीं है। तो आप तो बीजेपी के कार्यक्रम में आए हैं? तो जहाँ बुलाएगा, जहाँ भी जाता है कि चले फल जाए। हाँ चल जाएंगे। पानी में व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था रहे तो वोट क्या देगा? ये व्यवस्था देने किसको दे वोट? व्यवस्था रहेगा तब ना कुछ। देखिए तो ठंड में कमल आप आए हैं बीजेपी के कार्यक्रम में जी, तो किसको वोट दीजिएगा? जो अच्छा काम करेंगे उन्हीं को वोट देना चाहे। हम तो बीजेपी के देते हैं बिल्कुल। क्या मेरा पसंद वही है? पसंद क्यों है? हमारा जितना जो चल रहा है कारोबार मोदी जी ही दे रहे हैं। मोदी जी तो सबको प्राइवेट कर देते हैं, हैं? सब चीज़ को रेलवे तहत सब चीज़। इसमें सब चीज में यही आ रहा है, हर एक नेता जी का यही समस्या आ रहा है बिल्कुल। तेजस्वी जी तो रोजगार देते हैं, तो आप कहाँ दे रहे हैं? हम लोग तो महादलित हैं, देख रहे हैं बारिश में, वो लोग को कार्यक्रम होता तो बढ़िया बढ़िया गेस्ट हाउस बुक हो जाता। अब हम लोग यहाँ बारिश में मुझे कमार के ओर के रुक रहे हैं। तो इतना आप कहाँ से आए हैं? हम पटना जिला के ही हैं, बिहटा से आए हैं बिल्कुल। बारिश में भींगे इस कार्यक्रम का? बिल्कुल हाँ। किनको वोट दीजिएगा 2024 में? इसमें भी कोई सोचने वाली बात है क्या? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के आगे दूर दूर तक कोई नहीं दिखता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। रोजगार तो देश आरजेडी की बात करती है, रोजगार महंगाई बीजेपी की सरकार में महंगाई। देखिए ऐसा है कि बहुत सारी बातें हवा हवाई होती हैं, धरातल पे जब आप उतरेंगे तो आपको नजर आएगा। रोजगार का जहां तक सवाल है तो GST आने के बाद सरकारी क्षेत्र की बात छोड़ दी जाए, सरकारी सेवा में जो भी संभावना है उसमें तो वैसे भी काफ़ी कम संभावना होती है लोगों के रोजगार की। जो बाकी दूसरी सेवाएं हैं उसमें रोजगार की बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। जब से GST आया है तो बहुत सारा रोजगार का साधन उपलब्ध हुआ है। हर व्यापारी को एक अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ने लगी है ना। बहुत सारे ऐसे अकाउंटेंट के कार्यालय खुल गए हैं जो GST प्रैक्टिशनर के तौर पर काम कर रहे हैं और अपनी प्रतिष्ठा को बचा रहे हैं। यहाँ पे आप बारिश में भींग के यहाँ पे आए हैं बीजेपी के कार्यक्रम में, क्या लग रहा है? जैसे देखिए कार्यक्रम में तो शामिल होना ही है, चाहे बारिश हो या गर्मी हो, और इस उद्देश्य से हम लोग आए हैं कि जो पार्टी का सार्थक उद्देश्य है वो पूरा हो सके, है ना। और इसी उम्मीद से लोगों को भी प्रेरित करने का ये एक बहुत बड़ा साधन है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे देशवा न्यूज। प्राची की रिपोर्ट पटना, धन्यवाद।